दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 20 सालों से रजब तैयब एर्दोगान तुर्की में हुकूमत कर रहे हैं। 2023 को एक अहम साल की तरह देखा गया है, क्योंकि 2023 में फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले थे। आपको बताता चलूं कि 14 मई को इलेक्शंस हुए थे, जिसमें नतीजा नहीं निकल पाया था। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर से यानी कि 28 तारीख को फिर से री इलेक्शन करवाई गई, जिसका रिज़ल्ट सामने आ गया है। जो रजब तैयब एर्दोगान और क्लिचदारोग्लू के बीच में इलेक्शंस हुए थे, जिसमें एर्दोगान 52% से ज़्यादा वोट ला करके इस बार फिर से अपनी हुकूमत बरकरार रखेंगे। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि इस बार के इलेक्शंस के मुद्दे क्या रहे और मौजूदा हालात में तुर्की के हालात किस तरह से हैं। पिछले कुछ सालों में तुर्की की हालात अच्छी नहीं रही है, इकोनॉमी बिल्कुल गिरता गया है और रिफ्यूजीज जैसे कि अफ़गानिस्तान के लोग, सीरिया के लोगों का आना बहुत ज़्यादा हुआ, और साथ ही साथ तुर्की के जो जीडीपी है वो बहुत गिरती चली गई, और तुर्की में आजकल रहना बहुत ही मुश्किल हुआ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तकरीबन 80% के करीब यहाँ पे महंगाई हो चुकी है। लोग परेशान हैं, लोग अपने मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ जा रहे हैं, कूच कर रहे हैं, और एर्दोगान से इसी वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि वो बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ पे सहारा देते हैं, अपने मुल्क में रखते हैं। इन सब के बावजूद भी एर्दोगान इस बार फिर से जीते हैं और फिर से अपनी हुकूमत को कायम रखेंगे। दुआ करते हैं कि तुर्की जिस तरह से इस्लाम के लिए पहले काम को सर अंजाम दिया है और आगे